हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नॉलेज सेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस नए वीडियो को। तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी हम अपने बाथरूम में टैप्स लगाते हैं, तो हमें पता है कि एक नॉर्मल टैप्स के अलावा बहुत सारी तरीके की टैप्स होती हैं जिसे हमें बाथरूम में लगाना पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं कि वो किस किस तरीके की टैप्स होती है और उनके नाम क्या क्या होते हैं और उनका प्राइस रेट क्या होता है। तो ये जो प्राइस रेट मैं आपको बताऊंगा, ये टेंटेटिव होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की टैप्स ख़रीदते हैं, किस तरीके की टोटी अपने बाथरूम में लगाते हैं। तो कुछ 100 रुपये की भी है और 500 की भी है, 10 की भी और 1000 की भी है। तो डिपेंड करता है, ये सारी क्वालिटी के ऊपर होता है कि आप किस क्वालिटी का ख़रीद रहे हो। फिर भी हम एक मोटा मोटा एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए बात करें तो किस रेंज में हमें अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, आइए हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिबकॉक। बिबकॉक को हम शॉर्ट बॉडी भी कहते हैं और बिबकॉक भी कहते हैं। एक नॉर्मल बिबकॉक मोस्टली सिर्फ और सिर्फ आप अगर इसे लगाते तो ये लैट्रिन में ही लगता है, इसका कहीं और ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नॉर्मली इसे आप लैट्रिन में यूज़ करते हैं तो ये 1 या 2 या 3 जितने भी आपको ज़रूरत होती है उतनी आप लेते हैं इसे। इसका प्राइस रेंज लगभग आपको 300 से 500 के बीच में बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, जो आपका बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग बॉडी की। लॉन्ग बॉडी सेकंड सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपके बाथरूम में, आपकी रसोई में, आप कहीं भी टैप देखते हैं तो वो मोस्टली लॉन्ग बॉडी होती है। ये शॉर्ट बॉडी से थोड़ी बड़ी होती है और इसको बाथरूम में लगाते हैं ताकि बाथरूम का जो पानी है वो सीधे आपके बकेट या जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ पर गिरे। तो इसका रेंज जो आपकी शॉर्ट बॉडी होती है उससे 20 से 25 रुपये महंगी होती है, क्योंकि इसका वज़न उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। चूँकि ये सारी चीज़ें पीतल की बनी होती हैं, ऊपर से आपको पॉलिश स्टील जैसी दिखती है बट ये पीतल की होती है, तो इसलिए थोड़ी सी महंगी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पिलर कॉक की। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आप अगर बाथरूम में लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि जहाँ आप बेसिन लगाते हैं तो बेसिन में आप पिलर कॉक लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप बेसिन लगाते हैं वहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, एक पिलर कॉक, एक स्वाइन नेक और एक फ्लैट। तो पिलर कॉक जहाँ तक है आपको 400 से 500 में बहुत अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप स्वाइन नेक लगाते हैं जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जिससे आपका आप ये बड़ी बेसिन में वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये आपको 800 से 1000 रुपये में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। इसके साथ ही एक आता है सेंट्रल होल बेसिन मिक्सचर। अगर आप किसी बेसिन में चाहते हैं कि गर्म और ठंडा पानी दोनों आपके एक साथ आए तो आप बेसिन मिक्सचर लगा सकते हो, तो इसको भी आप 1500 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी का आसानी से ले सकते हैं। इनके बाद हम बात करते हैं एंगल कॉक की। एंगल कॉक सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कई बार यूज़ होता है, जैसे कि आप अगर अपने घर पे कमोड लगाते हैं या बेसिन लगाते हैं या कहीं भी आप देखेंगे कमोड बेसिन वगैरह जहाँ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे एक लेड कनेक्शन लगा होता है, एक छोटी सी पाइप लगी होती है, पहले एंगल वॉल में पानी आता है उसके बाद ये बेसिन में जाता है, तो वो एंगल कॉक की ज़रूरत होती है। ये भी आपको 350 रुपये से 450 के रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, तो इसे आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप ये सारा सामान लेते हो तो सिर्फ एक डिज़ाइन का लीजिएगा सारी चीज़ें, तो ये देखने में खूबसूरत लगेगा, जिसकी जो भी हैंडल वगैरह होती है वो सब में एक जैसी ही रहे, यानी एक डिज़ाइन। इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सिंक कॉक। देखिए सिंक कॉक 2 तरीके की आती है, एक सिंगल वाली और एक डबल में। सिंक कॉक यानी कि सिंक कॉक का यूज़ सिर्फ और सिर्फ रसोई में होता है, जहाँ पर आप बर्तन धुलने वाली सिंक लगाते हैं। सिंक के भी बहुत सारे साइज़ होते हैं, 18, 16, 18, 24, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की लगा रहे हैं। अगर आप सिंक कॉक लगाते हैं तो इससे एक फ़ायदा होगा कि आपका पानी सीधे आपके सिंक में गिरता है और आपको काम करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिल पाती है। सिंक कॉक भी 2 तरीके का होता है, एक मिक्सचर वाला और एक सादा। तो ज़्यादातर लोग सादे को ही लगाते हैं, मिक्सचर वाला भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये भी सादा वाला आपको 800 से 1000 रुपये में अच्छी क्वालिटी का और मिक्सचर वाला 1300 से 1400 रुपये में अच्छी क्वालिटी का आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लश कॉक, कंसील्ड स्टॉप कॉक। देखिए जो कंसील्ड स्टॉप कॉक होता है ये बेसिकली आपके शावर को, अगर आपने मिक्सचर अपने बाथरूम में नहीं लगाया या आपने नहीं प्लान किया है तो ये शावर को कंट्रोल करता है, शावर को ऑन और ऑफ करने के लिए होता है। इसका देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा वॉल के अंदर होता है और बाहर वाला हिस्सा ऊपर की ओर,
तो जब आप प्लम्बरिंग के सामान लेते हैं तो उसी समय ये लगता है। ध्यान रखिएगा कि शॉप ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसका काम सिर्फ आपको शावर के लिए होता है। तो हाँ, ये थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि इसे आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको करीब 500 से 800 रुपए में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। इसको लगाने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ और, जैसे कि मिक्सर की। तो जब आप अपने बाथरूम में मिक्सर लगाने चाहते हैं या आप अपने बाथरूम में चाहते हैं कि आपको वॉल मिक्सर अगर आपने प्लान किया है तो वॉल मिक्सर भी दो तीन तरीके का आता है। मैं एक बात करूँगा वह 3-in-1 की। तो देखिए 3-in-1 है, इससे आपको का जो बीच वाला हिस्सा है इससे आप अपने पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, या तो आप पानी को शावर में डायरेक्ट ले या आप नीचे ले। और ये जो दो साइड के वॉल्व लगे हैं इससे आप गर्म और ठंडे पानी का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं कि कितना गर्म और कितना ठंडा, दोनों को आप ऑन करके मिक्स कर सकते हैं। मिक्सर का मतलब भी यही होता है कि दोनों पानी को मिक्स करके मिले, ताकि आपको अलग अलग पानी मिला के अपने हिसाब से एडजस्ट ना करना पड़े और मिक्सर के हिसाब से आपका पानी आता है। उसके बाद आता है वॉल मिक्सर विद क्लच। क्लच में क्या होता है कि आप अगर चाहते हैं कि वॉल मिक्सर में ही हैंड शावर लगाना चाहते हैं तो ये जो क्लच वाला ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर आप अपने वॉल मिक्सर में हैंड शावर भी लगा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे रेंज में मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे लगाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ब्रास का लें, और जो भी लें अपने भरोसे की दुकान से लें ताकि आपको भविष्य में ज़रूरत पड़े तो वो उसका रिप्लेसमेंट आपको दे सके। एक और चीज है हाईनेक पिलर कॉक। ये हाईनेक पिलर कॉक मोस्टली जो कांच की बेसिनें वगैरह होती जो होती हैं उनमें लगाते हैं, ताकि ये हाईनेक पिलर कॉक से आप इसको पानी आपका ये बेसिन में आता है, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। और कांच वगैरह में क्या होता है कि पानी दूर से आता है तो वो देखने में भी सुंदर लगता है। और इसे आप ड्राइंग डाइनिंग रूम में या आप अपने लॉन में ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो इसे यूज़ करते हैं, ये देखने में एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीफ कॉक 2-in-1 की। देखिए दोस्तों, बीफ कॉक 2-in-1 जैसे मैंने बताया कि ये 2-in-1 है, इसमें आपको एक सिंगल टैप से दो जगह से पानी मिलता है। आप चाहें तो आप टैप से ले सकते हैं, चाहें तो अगर आप किसी बेसिन में या किसी और जगह पानी देना चाहते हैं इसी टैप के थ्रू तो आप लगा सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट नल का कनेक्शन मिल ही रहा है, नीचे आप इसमें लेड कनेक्शन या पीवीसी कनेक्शन की पाइप लगा के आप इसे चाहे तो अपने बेसिन में या कमोड के सिस्टम में या कहीं और जहां भी आपको ज़रूरत है वहां पर इसको आप लगा सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 800 से 1000 रुपये में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल कॉक की। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी दो तरफ से पानी आता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कमोड में इसको लगाने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है और मेरे ख्याल से वहीं पर ही सिर्फ ज़रूरत पड़ती है कि एक पानी का कनेक्शन आपके सीधे सिस्टम में चला जाता है, जो फ्लश टैंक या सिस्टम जो भी आप अपनी भाषा में इसे कहते हो। और दूसरा, अगर आप जेट स्प्रे या हेल्थ फॉसेट लगाते हैं या जेट स्प्रे लगाते हैं तो उसमें चला जाता है, तो इसके दोनों कनेक्शन वहाँ से लग जाते हैं, तो ये आप वहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने इमेज दिखाई ये एक सिर्फ मॉडल है, इसमें बहुत सारी वैरायटी के मॉडल्स आते हैं, बहुत सारे और अच्छे तरीके के आते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें लगा सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आगे मैं किस तरीके की और भी वीडियो बनाऊँ ये भी प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताएं, ताकि आने वाली जो भी मेरी वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आपको मिले और मैं आपके हिसाब से वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।